मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम दामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सचिवालय में सीएम दामी ने अफसरों के साथ मंथन किया है। मानसून सीजन से पहले तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश इस मंथन के दौरान। तो आपदा प्रबंधन विभाग को भी मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए। बरसात से पहले नदी नालों की सफाई के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो स्थिति है वो यहां पर दुरुस्त रहे और ऐसे में जो पहाड़ पर रह रहे लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ चारधाम यात्रा भी पूरी तरीके से जारी है और ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो सीएम दामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में ये बैठक की, जहां पर चर्चा का दौर जारी रहा। गांवों का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो इसी से संबंधित, क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए, कि कहीं जहाँ साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से, क्योंकि ये है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब चीज़ें। सर, लोकसभा चुनाव से आप अभी निकले हैं आप?